असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक इस गुलाबी नगरी को नमन करती हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय की वैदिव्यमान प्रतिष्ठा और उसमें आप सबकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करती हूँ। वह वट वृक्ष जिसकी छाँव में ये विश्वविद्यालय परिवार फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता अभिभूत और जीवन सौंदर्य की पारखी माननीय कुलपति महोदय को नमन करती हूँ। जग से इसे सींचने वाले विद्वत शिक्षक समाज को नमन करती हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय की वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास और उसमें जन्मी आप सबकी सुनहरे भविष्य की उत्साहित और अनुशासित प्यास को नमन करते हुए नमन करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आपने श्रोता बनकर सुन रहा है और इस पंडाल के कण कण में विद्यमान होकर मंचस्थ विद्वत समाज और देश के छलनी हुए जिगर को मरहम लगाने की एकमात्र आशा स्थल। प्यारे साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे आज ऐसे लोगों के बीच व्याख्यान का अवसर मिला है जो उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से उन्हें जीवन संग्राम में कूदना है। अभी आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां और संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि आरएस बनने के बाद मेरे संघर्ष और चुनौतियां खत्म हो गए हैं, बल्कि वो तो अभी शुरू हुए हैं, लेकिन उनसे लोहा लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साथियों, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने स्नातक अनुजों को कोई मार्गदर्शन दे सकती हूँ या आप में किसी अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक जिज्ञासु विद्यार्थी रही हूँ और पिछले कुछ वर्षों में वही सामने आप ही की तरह बैठा करती थी जहाँ आज आप जगमग तारों की तरह इस परिसर को रोशन कर रहे हैं। किंतु मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि यहाँ सिखाए जाने वाले उस श्रम, उस धैर्य, उस मार्गदर्शन, उस शैक्षिक वातावरण, शिक्षकों की विद्वता और अनुशासन के आवरण को यदि जीवन में उतार लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। जैसा कि एक साथी ने कहा था, वैसे ही मेरे साथ में भी यही घटना है। मुझे भी प्रशासन में आने से पहले ये पता नहीं था कि आरएस क्या होता है, वो क्या करता है। स्कूल में साथी लड़कियों ने कह दिया कि हम आरएस बनेंगी, तो मैंने भी 9th क्लास का रिजल्ट आते ही अपने बाल मन में पूरे घर में ये सार्वजनिक उद्घोषणा कर दी कि मैं आरएएस बनूंगी। चूंकि पिताजी शिक्षा अधिकारी रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे ये पता चला कि हाँ, कोई आरएएस होता तो कोई बड़ा अफसर है। किसी ने ताना मार दिया तो आरएएस बनना एक चैलेंज के रूप में ले लिया। हम लोग पतंग उड़ाते थे और पड़ोस में एक अगरबत्ती का कारखाना था, वहां बच्चे छत पर अगरबत्तियां बनाते थे। मैं और मेरी बहन वहां गए और वहां जाकर मालिक को कहा कि इनसे काम क्यों करवाते हो, इनको पतंग उड़ाने दो ना। तो अंकल बोले कि तू कौन सी कलेक्टर लग रही है यहाँ पे। मैंने सोचा एक कलेक्टर कौन सी तोप होता है, और अगर ये कोई तोप होता है तो एक गोला तो मैं भी दागूंगी। धीरे धीरे परिवेश बढ़ा, लोगों से जुड़ाव बढ़ा, एक आरएएस अधिकारी के अधिकार, दायित्व और दायरे को समझा और फिर खुद के अंदर झांका तो देखा और पाया कि हाँ, मैं किसी काम को योजनाबद्ध तरीके से कर सकती हूँ, किसी बात के पक्ष और विपक्ष पर विचार कर सकती हूँ, नेतृत्व क्षमता भी है, अपनी बात दूसरों तक संप्रेषित कर सकती हूँ। मम्मी और चाची का झगड़ा हो जाता तो उन्हें मना भी लेती हूँ, और दादी का आशीर्वाद तो है ही है, मैं आरएएस बन सकती हूँ, मैं आरएएस बनूंगी। और तब मैंने सोचा कि न गरज किसी से, न वास्ता किसी से, मुझे काम है अपने काम से, तेरी जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से, और आरएएस को ही मैंने अपनी जिक्र और फिक्र बना लिया। और साथियों, यही सम्मिलित कारण और घटनाएं हैं जिनके परिणाम स्वरूप मैं आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये सब कहने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप सब ये तय करें कि आप आरएएस आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, अपना उद्देश्य निश्चित करें। आपके भी आरएएस आईएएस बनने के मेरी तरह अनेक कारण और बहुत सारी प्रेरणाएं हो सकती है, लेकिन अब समय ये है कि समय रहते उनको पहचानें। रिजल्ट आने के 5-7 महीने तक मुझसे एक सवाल बार बार पूछा गया, और शायद उसी सवाल का जवाब देने के लिए आज भी यहां बुलाया गया है कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, उसका मूल मंत्र क्या है। साथियों, और मेरा जवाब हर बार घुमा फिरा कर एक ही होता है,
परिश्रम परिश्रम और परिश्रम, लेकिन ये समयबद्ध सकारात्मक और लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए। टॉपर कोई भी हो सकता है, आवश्यकता सिर्फ लगन मेहनत और धैर्य की है। थोड़ा संक्षेप में बात करते हुए अब मैं आती हूं परीक्षा के विविध स्तरों पर। जैसा कि आप सभी को पता है परीक्षा के तीन स्तर है। संक्षेप में ही चर्चा करूंगी प्रारंभिक स्तर पर। प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक एक बिंदु की तैयारी के लिए सटीक और स्पष्ट तैयारी की जरूरत है, और यहां नादानी करने का मतलब है अपनी पतंग खुद काटना। वस्तुतः दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से करनी चाहिए और बिना किसी शॉर्टकट की उम्मीद लगाए करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने कभी हाथी नहीं देखा है, अचानक उसके सामने अगर हाथी आए तो क्या होगा? डर जाएगा। इसलिए आप पिछले वर्षों के, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कर सबसे पहले अपने डर को दूर भगाएं। अक्सर विद्यार्थी इस असमंजस में रहते हैं कि तैयारी कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें। मेरे हिसाब से 9वीं-10वीं की मानक पाठ्य पुस्तकों जैसे एनसीईआरटी बुक्स, इनसे सबसे पहले अपना आधार मजबूत बनाए, और फिर इसके साथ ही किसी एक राष्ट्रीय और राज्य स्तर के समाचार पत्र या और किसी एक मासिक पत्रिका का नियमित अध्ययन करें। जो बिंदु समझ में नहीं आए उन्हें याद करने के लिए नोट्स बना लें और परीक्षा से पूर्व उनका अधिकाधिक रिवीजन करें। ये थी प्रारंभिक परीक्षा। मुख्य परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा वास्तव में इस परीक्षा का निर्णायक चरण है, जिसका इस परीक्षा में 88% योगदान है। और यहां ध्यान दीजिएगा, यहां उत्तर की कसावट और उसका सर्वोत्तम प्रस्तुतीकरण ही कामयाबी का मूल मंत्र है। मुख्य परीक्षा से पहले इन प्रश्नों पर विचार करें कि परीक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, पैटर्न किस तरीके का है, सवाल पूछे जाने का ट्रेंड क्या रहा है, मानक पाठ्य सामग्री कहां से और कैसे मिलेगी, उत्तर लेखन के लिए रणनीति और समय प्रबंधन कैसे करना है, पूर्व में सफल रहे अभ्यर्थियों की क्या रणनीति रही है, कितनी मेहनत जरूरी है, कितनी मूवीज और पार्टियों में नहीं जाना है, कितनी गप्पे एग्जाम के बाद के लिए छोड़नी है, व्हाट्सएप को मोबाइल में कब तक अनइंस्टॉल रखना है, इन सभी प्रश्नों के सवाल आप खुद खोजें। और अगर नहीं मिले तो आप कुलपति महोदय को धन्यवाद दें कि उन्होंने इसका समाधान करवा दिया। दोस्तों वास्तव में प्रत्येक अभ्यर्थी, प्रत्येक विद्यार्थी के पढ़ने का तरीका, उसके सोच की गहराई, पारिवारिक परिस्थितियां और समय की उपलब्धता अलग अलग होती है। अगर आप इन सवालों के जवाब खोज लेते हैं तो आपकी आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बात करती हूं साक्षात्कार की। जैसे कि पुष्पा जी ने कहा था कि साक्षात्कार आपके ज्ञान का नहीं अपितु आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। साक्षात्कार में सामान्यतः एक अभ्यर्थी की मानसिक सजगता, ध्यान दीजिएगा, मानसिक सजगता, समीक्षात्मक दृष्टिकोण, नेतृत्व, निर्णय क्षमता, रुचि की विविधता, सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी, और इसके अलावा आसपास की घटनाओं में, आसपास के परिवेश में घटित हो रही घटनाओं में अभिरुचि और दृष्टिकोण की गहन जांच होती है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना एक अच्छे साक्षात्कार का प्रतीक नहीं है, और कुछ प्रश्नों का उत्तर न देना साक्षात्कार के बिगड़ने का परिचायक भी नहीं है। वस्तुतः ये तो सामने आ रही आपकी अवधारणाओं और आपके हाव भाव पर आधारित है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितने प्रश्नों का उत्तर दिया, अपितु ये है कि उत्तर किस प्रकार दिया। अक्सर विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि मैडम साक्षात्कार के लिए कक्ष में जाने से पूर्व क्या करें, दरवाजा खोल के अनुमति कैसे मांगे, हिंदी में मांगे कि अंग्रेजी में मांगे, कुर्सी पर उनके कहने पर बैठे कि खुद बैठ जाए, बैठते वक्त हाथ टेबल पर रखे, पांव पर रखे, सिर पर रखे, कहां रखे। लड़के पूछते हैं कि मैडम टाई लगाए, टाई के साथ कोट भी पहने क्या, शेविंग करें या नहीं करें, और लड़कियां भी पूछती है कि साड़ी पहने, सूट पहने, सूट पहने तो मैचिंग का ब्लाउज पहने क्या, मैचिंग की नेल पॉलिश, सैंडल, इयररिंग्स, पर्स, बैंगल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर चर्चा करें तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर पूरा दिन खर्च किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरी माने, संक्षेप में मेरी माने तो आप तो बस, अगर
लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी विषय पर पकड़ है, आपने जो अपने हिसाब से कपड़े पहने हैं उनमें आप सुविधाजनक महसूस कर रहे हैं और उनसे आपके शरीर का आत्मविश्वास झलक रहा है। अगर आपको लगे कि आपने अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया है, ईश्वर में आपकी आस्था है और दादी और नानी ने कह दिया कि जा बेटा कलेक्टर बन के ही आई, तो आप तो बस दरवाजा खोलिए और मुस्कुराते हुए अंदर घुस जाइए। अभी आपका बायोडेटा देखा जा रहा है, एक प्रश्न आपकी हॉबी से, अगला ग्रेजुएशन के विषय से, अगला करंट नॉलेज से और क्रमशः प्रश्नों का सिलसिला। और अगर आपने अंत तक अपनी संप्रेषणीयता, अपनी समझ, अपनी ग्रहणशीलता, अपने नेतृत्व को बनाए रखा, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा है, तो आप उसी तरह मुस्कुराते हुए बाहर आकर भेरू जी, भूमिया जी, पितर जी, जिनको भी आपने याद किया था उनको धन्यवाद दे सकते हैं। और अगर कोई साथी चाहे तो खोले के हनुमान जी में सवामणि की तैयारी भी कर सकता है, क्योंकि मैं ये गारंटी देती हूँ, मैं ये गारंटी देती हूँ कि जीत आपकी है। शर्त इतनी है कि सवामणि का निमंत्रण मुझे मिलना चाहिए। तो ये तो बात हुई परीक्षा के विविध स्तरों की। अब मैं परीक्षा में सफलता की क्या प्रक्रिया है उस पर और उस समय क्या ध्यान रखी जाने वाली और सावधानियां बरतने वाली बातें हैं उन पर चर्चा करूं बहुत संक्षेप में। चूंकि अपनी ये जो सफलता की प्रक्रिया इसको मैं एक कृषि के रूपक से बताना चाहूंगी। अगर मैं बोल रही हूं और आपको लगता है कि समय ज्यादा नहीं हो रहा और आप बोर नहीं हो रहे तो एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें। तो कृषि के रूपक से समझाना चाहूंगी, क्योंकि अब राजस्व विभाग से जुड़ गई हूं तो कृषि, बीज, फसल, पटवारी, गिरदावर, इनसे दिन भर सामना होता रहता है, तो उदाहरण भी वैसे ही देने लग गई हूं। दोस्तों, किसी भी बीज के अंकुरण, उसकी वृद्धि, स्थायित्व, फल फूल सहित पूरा वृक्ष बनने में ही सफलता की प्रक्रिया निहित है। किसी भी बीज के अंकुरण के लिए सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग्यता है उस बीज का अंकुरण योग्य होना। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर झांके। एक बार एक पागल आईने में खुद को देखकर कह रहा था कि यार इसको कहीं देखा लगता है। बहुत देर टेंशन में सोचने के बाद वह बोला, धत्तेरी की, अरे ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। तो ये तो खैर पागल था, लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे और स्वस्थ चित्त व्यक्ति भी खुद को नहीं पहचानते हैं, अपने भीतर नहीं झांक पाते हैं। रास्ते में अगर कंकड़ी कंकड़ हो और अगर अच्छा जूता पहना हो तो उस पर चला जा सकता है, लेकिन एक अच्छे जूते में भी अगर कंकड़ हो तो रास्ता चाहे कितना ही बढ़िया क्यों ना हो उस पर कुछ कदम चलना मुश्किल। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि पहले बाहर की चुनौतियों से पहले खुद की कमजोरियों से जीते लड़े। बीज के अंकुरण के बाद अंकुरण के लिए आवश्यकता होती है उपजाऊ भूमि की, और मुझे नहीं लगता कि प्रतियोगिता के दौर में उपजाऊपन के मामले में राजस्थान विश्वविद्यालय का कोई सानी होगा। यहाँ का मार्गदर्शन आपके लिए सदैव पथ प्रदर्शक का कार्य करता रहेगा। आपको अपनी तैयारी के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जहां कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान, महाविद्यालय अथवा व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए कहीं भी अपने आप को समर्पित करें तो उस भूमि का उपजाऊपन जांच ले, क्योंकि कई बार योग्य बीज भी अनुपजाऊ उपजाऊ भूमि के अभाव में अंकुरित नहीं हो पाते हैं। बीज के अंकुरण के पश्चात आवश्यकता होती है खाद, कीटनाशक और उत्प्रेरकों की। विद्यार्थी के लिए खाद का काम करते हैं उसकी कक्षा, उसकी पुस्तकें, उसके मित्र, उसका जो पढ़ाई का आसपास का माहौल है वो, उसके गुरुजन जो उसे एकाग्रता और ज्ञान संचय की विधि प्रदान करते हैं। एकाग्रता पर थोड़ा सा, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ते हुए टीवी रेडियो चलाते हैं, एफएम चलाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कान में ईयरफोन डालकर म्यूजिक सुनते हुए फिर पढ़ाई करते हैं, और अगर पास में पड़ोस में कोई शादी हो रही हो, रात्रि जागरण हो तो उन्हें डिस्टरबेंस होता है। सर, मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगी कि मेरे घर के इस तरफ मंदिर है और इस तरफ मस्जिद। सुबह उठते ही इधर से
घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल शुरू हो जाता था। तो उधर ला इला इल्लल्लाह मोहम्मदुल्लाह रसूलुल्लाह के साथ शाम ढलती थी, बारात भी उधर से ही जाती थी, सतराम के जयकारे भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई अपने घर की छत की तरफ जाने वाली उस आखिरी सीढ़ी पर बैठकर की थी और मुझे हर तरह के शोरगुल में एकाग्रता का इतना अभ्यास हो गया था कि पता ही नहीं चला कब होली की गैर निकल गई और कब ढोल ताशों के साथ मुहर्रम के ताजिए। पढ़ते वक्त मोबाइल बंद रखे, अगर व्हाट्सएप मैसेंजर और फेसबुक नहीं चलेगा तो एकाग्रता में वृद्धि होगी, लेखन शैली में सुधार होगा और टॉप 50 में आने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। मेरी बात करें तो मैं बताऊं, मैंने मोबाइल ही नहीं रखा था। यहाँ बैठे मेरे साथी इस बात के गवाह है कि मैंने एंड्रॉइड मोबाइल ओटीएस में आके खरीदा था और अब व्हाट्सएप पर जुड़ने वाली मैं अपने बैच की आखिरी मेंबर थी। कीटनाशकों की बात करती हूँ इसके बाद। जिस प्रकार पौधे की जड़ों के दीमक और पत्तों के कीड़ा लग जाता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी के भी धैर्य के लालच का, मेहनत के आलस्य का, सादगी के विलासिता का और पढ़ाई के भटकाव का घुन लग ही जाता है और ऐसे में अनुशासन ही वह कीटनाशक का कार्य करता है। मित्रों, अनुशासन ही वह औषधि है जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए साधना के तपोबल के ओज को परिवर्तित कर देता है। इसलिए अपने आप को अनुशासित बनाएं, व्यवस्थित बनाएं, अपना खाना पीना जागना सोना ये सब संयत बनाएं। और इसके लिए गीता का एक श्लोक मेरी प्रेरणा रहा है कि युक्ता हार विहार से युक्त सर्वस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नाम बोध से योगो भवति दुखा। अर्थात अपना सोना जागना आहार विहार और अपनी चेष्टाएं ये संयत हो, उचित हो, और अगर आप इस अनुशासन को, इस औचित्य को बनाए रखते हैं तो आपके लक्ष्य की पवित्रता को सुरक्षा मिलती रहेगी। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है डीएपी और यूरिया जैसे उत्प्रेरकों की। ये उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो पौधे में वृद्धि तो करते हैं किंतु उसमें ऐसे विकार उत्पन्न कर देते हैं जिन्हें हम आजकल सब्जियों और गेहूं में कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के रूप में देखते हैं, और दूसरे वे उत्प्रेरक जो पौधे में प्राकृतिक हार्मोन्स को संतुलित करते हुए उसे स्वस्थ और लाभदायक वृद्धि प्रदान। विद्यार्थी के जीवन में भी दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। 2008 की परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित नहीं होने पर मुझे किसी ने कहा कि तू तो केवी की नौकरी से संतोष कर ले, ये आरएस बनना तेरे बस की बात नहीं है। तो एक दूसरे मित्र ने कहा कि गिर को करने कंथड़ा हिरण कशो घी खाए आंख चरे और पून भगे घोड़ा शिव आगो जाए। कि हिम्मत कर हुंकार भर हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है। एक था उत्प्रेरण और दूसरा था दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण ना स्वयं करे ना दूसरों के दुष्प्रेरण का शिकार हो, अपने मुकाम अपने उसूल खुद तय करे और हर बार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश ना करे। एक बार रात के समय एक दुकानदार बंद करने ही वाला था कि एक कुत्ता उसके पास में आया। कुत्ते के मुंह में थैली थी और उसमें कुछ सामान की लिस्ट थी। दुकानदार ने थैली ली, उसमें सामान डाला, बाकी पैसे डाले और सामने रख दी। कुत्ते ने थैली मुंह में उठाई और चल दिया, दुकानदार से रहा नहीं गया। वह आश्चर्यचकित होकर कुत्ते के पीछे पीछे गया ये जानने के लिए कि इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ता कुछ देर बस स्टॉप पर खड़ा रहा, बस आई उसमें चढ़ गया। कंडक्टर पास आते ही उसने गर्दन आगे बेल्ट में कुछ पैसे और घर का पता था। कंडक्टर ने उसे टिकट दे दी, बाकी पैसे बेल्ट में वापस रख दिए। जो ही अपना स्टॉप नजदीक आया कुत्ता बस में आगे की तरफ आ गया और पूंछ हिलाकर इशारा किया। बस रुकने पर कुत्ता उतर गया और आगे चल दिया, दुकानदार भी उसके पीछे पीछे चला। कुत्ते ने अपने पैर से 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, मालिक बाहर निकल कर आया और उसने लाठी से कुत्ते की पिटाई की। आप सोच रहे होंगे कि क्यों, मालिक भी सोच रहा था। उसने पूछा इसका कारण, तो मालिक ने कहा बदतमीज ने सारी नींद खराब कर दी, चाबी लेके नहीं जा सकता था, गधा कहेगा। मित्रों, जीवन की सच्चाई भी यही है, लोगों की आपसे अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जरा सा आप चूके कि आपने बुराइयां निकाल देंगे और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। इसलिए आप तो बस अपना कर्तव्य कर्म करें, आगे बहुत सी कठिनाइयां हैं।
माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया है कि आपको इस कठिन राह पर चलना है, अगर आपने सोच लिया है कि अब जलेबी की तरह इसमें उलझ ही गए हैं, तो फिर क्यों न चाशनी में डूबकर जिंदगी का मजा लिया जाए। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि अपनी मेहनत को सफलता के मुकाम तक पहुंचाइए, अपना संबल खुद बनिए, अपनी तारीफ खुद करिए। बुराई करने के लिए तो पूरा जमाना बैठा है। जिन लोगों की नजरों में बुरे हैं आप, कह दे उन्हें कि वे नेत्रदान कर सकते हैं। अपने आसपास के परिवेश में केवल उन्हीं तत्वों को प्रविष्ट होने की अनुमति दे जो सकारात्मक हो, विचारात्मक हो, बोधात्मक हो, सही दिशा देने वाले हो। अन्यथा आपके मस्तिष्क में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष के रासायनिक दुष्प्रभाव दिखने लगेंगे, जो आपकी सोने की थाली में पीतल की मेख जैसे अशोभनीय लगेंगे। तो अंत की ओर बढ़ते हुए मैं अब कहूंगी कि इन सभी तत्वों के साथ अब एक तत्व और बच जाता है, और वो है जीवनदायी जल, जिसकी आवश्यकता पौधे को वृक्ष बनने तक रहती है। यह जल कहीं से भी पौधे को मिल सकता है, वर्षा से, ओस से, भूमिगत जल के स्वतः परासरण से, कुएं से, कुंड से, नल से, पाइप से, जहां से भी मिले ये मिलना चाहिए। और जल के समकक्ष विद्यार्थी के लिए रखा जा सकता है नियमित अध्ययन को। जब तक आपके सपनों की जड़ों को नियमित अध्ययन का पवित्र जल सींचता रहेगा, तब तक आपके सपनों के पंखों में उड़ान रहेगी, जुनून में जान रहेगी, जड़ें जमीन से जुड़ी रहेंगी और नजरों में हदें आसमान रहेगी। अगली बात कहते हुए समाप्ति की ओर, इस बात पर गौर कीजिएगा कि विश्वास की जड़ें कमजोर हो, विश्वास की जड़ें कमजोर हो तो माता पिता के आशीर्वाद का जल ले, दिशा भ्रम हो तो दृष्टिकोण की जड़ों को गुरुजनों के मार्गदर्शन के जल से सींचे, भटकाव की भूख भड़के तो एकाग्रता की जड़ों को आत्मचिंतन के जल से पोषित करे, धैर्य धीरज धरने से इनकार करने लगे तो मानस की जड़ों को अध्यात्म के जल से सींचे, और सबसे महत्वपूर्ण अपने सपनों की सुनहरी जड़ों को सकारात्मक सोच के जल से सदैव सींचते रहे। सफलता मजबूर होकर कामयाबी का मीठा फल आपकी मेहनत से तैयार किए गए वृक्ष पर प्रस्फुटित कर देगी, जिसके बाद उसके संवर्धन और संरक्षण की जिम्मेदारी दुनिया अपने आप ले लेती है। तो आइए सफलता का प्रसाद पाने के लिए मेहनत के इस महायज्ञ में अपने श्रम की समीधा, धैर्य की धूप, अध्ययन की आहुति और लक्ष्य की लौ से अस्तित्व की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और कुछ नया, कुछ मौलिक, कुछ बेहतर करने का संकल्प करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि शीघ्र ही इस विश्वविद्यालय से आप में से ही कोई छात्र या छात्रा ऐसे इसी ही तरह अपनी सफलता की कहानी बांटे, अपने अनुभव बांटे, और मैं यहीं बैठकर सुनूं, गर्व करूं और कुछ नया सीखूं, और अगर हो सके तो चाय के साथ कंक्लूजन करते हुए वोट ऑफ थैंक्स दूं। तो मेरी शुभकामना बस इतनी ही है कि आपका पथ प्रशस्त हो, लक्ष्य उन्नत हो, गति अबाध रहे, संगच्छद्वं संवदद्वं संवो मनांसि जानताम का मूल मंत्र कभी विस्मृत ना हो। आप सबकी मेहनत, सबके संरक्षण, विश्वविद्यालय में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी निष्ठा, आपके सृजन और सक्रिय नेतृत्व से संस्कारों की नींव पर समर्पण के खंभों के सहारे सौम्यता के साथ खड़ा ये राजस्थान विश्वविद्यालय का महल अपनी आस्था और विश्वास के साथ सदैव पुष्पित और पल्लवित होता रहे। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।